Hey guys, Dogs की इस ब्यूटीफुल दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है मंजीत और हमारे मोस्ट पॉपुलर डॉग्स ब्रीड की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं एक परफेक्ट गार्ड डॉग ब्रीड के बारे में जिसका नाम है रॉटवेलर। तो फ्रेंड्स, रॉटवेलर के बारे में बात करने से पहले यार, अगर आप लोगों ने हमारी ये संडे स्पेशल वीडियो नहीं देखी तो भाई ये वीडियो आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए। इसमें आप लोगों को काफी चीप प्राइस में डॉग्स मिल रहे हैं और वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के। तो लिंक आप लोगों को ऊपर आई के बटन में और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। वैसे दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से मेरे पास रॉटवेलर को लेकर काफी सारी कॉल्स आ रही है कि क्या रॉटवेलर को हम लोग फैमिलीज में रख सकते हैं, क्योंकि भाई हमने सुना कि रॉटवेलर थोड़े अग्रेसिव होते हैं। यार, अग्रेसिव होते हैं मानता हूँ, बट ऐसे भी नहीं कि आप लोग फैमिलीज में नहीं रख सकते। रॉटवेलर फैमिलीज के लिए काफी प्रोटेक्टिव होते हैं और जैसा कि आप लोगों को बताया कि अच्छे गार्ड डॉग्स होते हैं, तो भाई स्ट्रेंजर्स के लिए ऑब्वियसली कोई भी डॉग ब्रीड अग्रेसिव ही होगी, क्योंकि यार हम लोग गार्ड डॉग परचेज ही क्यों करते हैं, इसीलिए ना कि कोई डायरेक्टली हमारे घर के अंदर ना घुसे। तो रॉटवेलर इस चीज में अपना 100% देते हैं कि अपना काम बखूबी निभाते हैं। तो फ्रेंड्स, रॉटवेलर सिर्फ एक ही कोट कलर में आते हैं जो है ब्लैक एंड टैन, और इनका कोट काफी शॉर्ट होता है जिसकी वजह से मेंटेन करने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे दोस्तों, आप लोग पपीज की क्वालिटी देखें, यार पपीज काफी अच्छी क्वालिटी में है और बिल्कुल पंच फेस में है। वैसे ओनर के पास एक और डॉग ब्रीड है जो है बुल्ली कुत्ता। अगर आप लोग उसके पपीज भी परचेज करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप लोग इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, अगर आप लोग रॉटवेलर को परचेज कर रहे हो तो यार इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि आप लोग हमेशा इन्हें बांध के ना रखें, क्योंकि भाई इस चीज से कोई भी गार्ड डॉग ब्रीड अग्रेसिव होती है। तो आप लोग इन्हें दूसरे लोगों से और एनिमल्स से मिलवाएं ताकि उनके साथ फ्रेंडली हो सके। और बचपन से ही आप लोग इन्हें ये भी बताएं कि क्या इनके लिए सही है और क्या गलत। अगर ये कुछ गलत कर रहे हैं तो आप लोग उसी टाइम इन्हें थोड़ा डांट दें। वैसे गाइस, उन्होंने आप लोगों को यहाँ पर एक ऑफर भी दिया और वो ये है कि अगर आप लोग इन्हें पेयर में परचेज करते हो तो ये आप लोगों को काफी कम प्राइस में मिल जाएंगे। तो पेयर में परचेज करके आप लोग 5000 पीस तक का डिस्काउंट पा सकते हो, जो कि काफी अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, मदर की क्वालिटी आप लोग देख ही रहे हो। फादर की फोटो वीडियोस के लिए आप लोग डायरेक्ट डॉग ओनर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, वो आप लोगों को पर्सनली व्हाट्सएप कर देंगे। और हाँ, एक चीज और गाइस, पपीज जो है ये होम ब्रीडिंग के हैं, तो आप में से जो भी वीडियो कॉल पर देखना चाहें तो उसके लिए भी आप लोग डॉग ओनर को वीडियो कॉल कर सकते हैं। ओनर कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो अगर इन पपीज की एज के बारे में बात करें तो भाई ये रॉटवेलर पपीज 30 डेज के हो चुके हैं और ओनर की जो लोकेशन है वो है हिसार, हरियाणा से। एंड बाय डिलीवरी ओनर आप लोगों को पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज पर। बट सेकंड ऑप्शन भी आप लोगों के पास अवेलेबल है, डायरेक्ट ओनर को विजिट करना, पपीज की क्वालिटी वगैरह चेक करके इन्हें परचेज करना। तो ये डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है कि आप लोग इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करते हो। एंड फाइनली प्राइस के बारे में बात करें तो भाई पपीज काफी अच्छी क्वालिटी में है। एंड ओनर जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की 15,000 पीस 15,000 रुपए, एंड फीमेल की 10,000 पीस यानी 10,000 रुपए। लेकिन अगर आप लोग पेयर में परचेज करते हो तो दोनों ही आप लोगों को 20,000 पीस यानी 20,000 रुपए में मिल जाएंगे। बाकी फिर भी आप लोग बार्गेनिंग कर सकते हो। वैसे आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं आप लोगों से इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।